फ्रेंड्स, आपका लविंग गार्डन पर स्वागत है। देखिए, मेरे पास आप ये कुछ विंका की कटिंग्स देख रहे हैं, तो मैं विंका की कटिंग्स लगा ही रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, अगर आप भी कोई कटिंग या सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो विंका की कटिंग आपको कैसे लगानी है, चलिए हम देखते हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जिस प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं वो प्लांट आपका अच्छा हेल्दी प्लांट हो, ताकि आपकी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाए। और ज़्यादा छोटी कटिंग आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर अभी आप ज़्यादा छोटी कटिंग लेंगे तो वो फ्लावरिंग करने में इतना ही ज़्यादा टाइम लगाएंगी। तो देखिए, इतनी बड़ी कटिंग मैंने विंका प्लांट की ली है। सदाबहार भी बोलते हैं इस प्लांट को, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आप प्लांट से कटिंग ले सकते हैं इस तरीके से। और रूटीन हार्मोन वगैरह इन पर कुछ भी नहीं लगाना होता है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं, विंका प्लांट की कटिंग। तो मैंने इसके लिए जो सोइल तैयार की है, ये देखिए, मैंने इसके लिए जो सोइल तैयार की है, मैंने इसके लिए सिर्फ सोइल अपनी नॉर्मल, जो हमारी गार्डन सोइल होती है नॉर्मल, वही है। और इसमें गोबर की खाद मैंने इसमें सिर्फ ऐड की है, गोबर की खाद और ये गार्डन सोइल, सिर्फ ये ही दो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। तो विंका इस तरीके से आप कटिंग ले लीजिए, और ये रूटीन हार्मोन वगैरह इस पर कुछ भी नहीं लगाना होता है, बस सिंपल इस तरीके से कटिंग लेकर आप और ऐसे होल करके आप ऐसे लगा सकते हैं। ध्यान आपको इतना रखना है कि जो सोइल आप ले रहे हैं वो सोइल बिल्कुल भी, जो चिकनी सोइल होती है सख्त वाली, वो नहीं होनी चाहिए। सोइल आपकी सैंड की तरह जो होती है वो वाली सोइल आपको लेनी है। इस तरीके से होल करके और आपको ऐसे लगा देनी है बस। और तब हमारी ये इनमें नीचे कटिंग्स में रूट निकल जाएंगी, तो तब हम इन्हें अलग अलग पॉट में लगा देंगे। और नीचे की साइड से दो चार लीव्स हटा दीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने हटा दिए हैं। और बिल्कुल बहुत आसानी से आप, अभी मौसम बहुत अच्छा है, बरसात का मौसम है, इस मौसम में आप लगा सकते हैं कोई भी कटिंग या सीड्स अगर ग्रो करना चाहते हैं तो। बहुत अच्छा मौसम है, ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। और ये बहुत अच्छे से यहीं पर इनकी रूट्स भी निकल जाएंगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा छोटी कटिंग इसकी नहीं ली है। विंका बहुत ही हार्डी सा प्लांट होता है, डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट होता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। सीड से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन पर मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है। तो कटिंग पर, अभी बरसात का मौसम था तो मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं ये विंका के, तो मैंने सोचा इनकी कटिंग भी ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ आपको एयर पॉकेट कोई नहीं रखना है, क्योंकि एयर पॉकेट रह जाता है तो फिर हवा लगती है जड़ों में, और उससे कटिंग ग्रो करने में इतना ही टाइम लगाती हैं। तो इस तरीके से हमारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसमें सिर्फ पानी डालना है, और पानी डालकर हम इसे सिर्फ सुबह की सनलाइट जहाँ पर आती हो, सिर्फ एक या आधा घंटे की, वहाँ पर हम इसे रखेंगे। और कम से कम 8 दिन में तब हमें लगेगा कि हमारी कटिंग ग्रो हो गई है, तब हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, इतनी छोटी से छोटी कटिंग भी विंका प्लांट की लग जाती है। इसे भी मैं यहीं पर लगा दूंगी, इस कटिंग को भी, ये भी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी बरसात के मौसम में आप भी अगर कोई कटिंग या सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। और विंका प्लांट की कटिंग ग्रो करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिर्फ नॉर्मल सोइल और गोबर की खाद मैंने इसमें ऐड किया है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।